दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो में। मित्रों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के और जनरल नॉलेज के अनुसार बताएंगे कि महिलाओं के कौन से अंगों पर पुरुष हो जाते हैं आकर्षित। मित्रों आखिर महिलाएं और पुरुष किस चीज को एक दूसरे में सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं जिसे देखकर वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। मित्रों आकर्षण एक ऐसी चीज है जिसकी हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अहमियत होती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि महिला और पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आकर्षक किसी भी चीज से हो सकता है और किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। कई सालों के आकर्षण के नियम जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह की रिसर्च की है और अब एक बार फिर से हम ऐसे ही एक रिसर्च की बात करने जा रहे हैं जो आकर्षण के नियमों पर ही आधारित है। दोस्तों आखिर महिलाएं और पुरुष किस चीज को एक दूसरे में सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं जिसे देखकर वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इस स्टडी के लिए 18 से 65 साल के लोगों के बीच की गई रिसर्च में और उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। इनमें सबसे अहम ये था कि आप अपोजिट सेक्स की किस चीज से सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। मित्रों लगभग आधे पुरुषों ने 64% ये कहा कि चेहरा सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला हिस्सा होता है। महिलाओं के चेहरे को देखकर ही वो सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा उनकी कमर और बट्स को देखकर 18% लोग आकर्षित होते हैं। इसके अलावा 11% के अनुसार बाल और 9% के अनुसार पैर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले अंग होते हैं। दोस्तों सिर्फ पुरुषों की ही नहीं महिलाओं से भी यही सवाल किया गया और चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं के लिए पुरुषों की शक्ल कोई मायने ही नहीं रखती। इस सर्वे में मौजूद 24% महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुरुषों का चेस्ट आकर्षित करता है। इसके अलावा 22% महिलाओं का कहना है कि पुरुषों के बाल उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये बात ध्यान देने वाले है कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के बाल महिलाओं को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र में ऐसे पुरुषों का मिलना मुश्किल हो जाता है जिनके पूरे बाल हों। और मित्रों तीसरे नंबर पर आती है पुरुषों की बाहें, जिन्हें 19% महिलाएं पसंद करती हैं। और उसके बाद आता है पुरुषों के बटस और कम का नंबर, जिसे 13% महिलाएं पसंद करती हैं। सर्वे में पुरुषों के पेट और आँखों के भी बात हुई, लेकिन सिर्फ 2% महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुरुषों का चेहरा पसंद है। यानी महिलाओं को पुरुषों के उन अंग से कोई लेना देना नहीं है जिसे पुरुष महिलाओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक मानते हैं। कमाल की बात यह है कि महिलाओं की इनकम का असर उनकी पसंद पर ही हुआ। वो महिलाएं जो ज़्यादा कमाती हैं उन्हें चेस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं और जिनकी सैलरी कम है उन्हें बाजुओं में ज़्यादा इंटरेस्ट है। महिलाओं के चेहरे और बालों की खूबसूरती पुरुषों को ज़्यादा आकर्षित करती है और बालों की खूबसूरती महिलाओं को भी आकर्षित करती है। अपने स्किन केयर और रूटीन और हेयर केयर और रूटीन में जिस तरह से महिलाएं ध्यान देती हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये बात तो सच है कि आकर्षण के नियम कुछ इसी तरह से देखे जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान को अपने लिए ही मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि चेहरे का ख्याल रखना जरूरी है तो रखिए,
लेकिन इसलिए नहीं कि आप किसी को आकर्षित कर सकें, बल्कि इसलिए कि उनके जरिए आप खुशी पा सकें। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यहीं तक था। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।